हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गाइस। ओके तो पेपर आप लोगों ने जो है कुछ खास तो नहीं किया बच्चों, और परफॉर्मेंस भी आप लोगों का जो है बहुत ज्यादा वीक होते जा रहा है। पर डे मैं देख रहा हूँ परफॉर्मेंस भी आप लोगों का काफी वीक होता जा रहा है। कोशिश करने के बाद भी आप लोग कुछ चीजें नहीं कर पा रहे हैं सही से। कुछ बच्चों ने अच्छा किया हुआ है, कुछ बच्चों ने अच्छा किया हुआ है, लेकिन कुछ स्टूडेंट बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना के बराबर है। कुछ बच्चों का तो परफॉर्मेंस बहुत बेकार है, तो उसके लिए यही है कि आप लोगों को मेहनत तो करना ही पड़ेगा भाई। मेहनत तो सर जब तक नहीं करेंगे ना तब तक बहुत दिक्कत आ जाएगी, समझ रहे हैं क्या सर? जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे तब तक बहुत दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को। इसलिए आप लोगों से यही कह रहे हैं बच्चों कि आप लोग मेहनत करिए तभी कुछ फायदा हो, समझ रहे हैं क्या? तो चलिए जो भी है सर, आज तो हम लोगों को जो है एक नए टॉपिक को स्टार्ट करना है। नया टॉपिक क्या है सर, मैं उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं। नया टॉपिक सर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस। मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले के लेक्चर में भी पहले भी बताया हुआ था कि स्टूडेंट हम लोग जो है जल्द ही है और कुछ दिनों में जो है सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो क्या है आप लोगों के पास चैप्टर नंबर जो भी होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हेलो एल्केन्स, चैप्टर का नाम आपके हो सकता है एनसीईआरटी में कुछ और हो या सीबीएसई की बुकलेट में कुछ और हो सकता है स्टेट जो आपके स्टेट की बुकलेट है उसमें कुछ और हो, उसकी बात नॉर्मल है, समझ रहे हैं ना सर? उससे कुछ लेना देना नहीं है, बस ध्यान ये रखना है कि सर यहाँ पे हमें जो है चैप्टर में जो अंदर का मैटर है ना सर वो क्या है वो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इसके बाद आपका शायद सॉलिड स्टेट का टेस्ट होगा। सॉलिड स्टेट भी आप लोगों का पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि क्या किस तरीके से आपका ये कंसेप्ट है और किस तरीके से ये आप कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है ना? तो जब तक सर, हेलो अल्केन सर, हेलो क्या लिखा है? हेलो एरिंस, हेलो एरिंस, वो क्या होता है सर? वो पढ़ा रहा हूं मैं अभी सर, वो पढ़ा रहा हूं, देखिए। ओके ओके सर। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेलो एल्केन्स की। हेलो एल्केन्स का मतलब होता है सर, ये हेलो एल्केन्स बच्चों दो टर्म से मिलके बना होता है, एक होता है हेलोजन और दूसरा होता है एल्केन। एल्केन और हेलोजन का जो कॉम्बिनेशन होता है ना उसको बोला जाता है हेलो एल्केन्स, और दूसरा हम लोग कहते हैं हेलो एरिंस। ये क्या होता है सर? ये होता है बच्चों हेलोजन प्लस अरीन्स का कॉम्बिनेशन। अरीन्स का मतलब हो गया कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड, अरीन्स का मतलब हो गया कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड लाइक एज द बेंजीन, है ना? हम लोग ऐसे लिखते हैं अरीन्स को C6H5, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द अरीन्स, समझ रहे हैं क्या? ये सर इसका फॉर्मूला होता है C6H5, और इस पे यहां से एक बॉन्ड लगा होता है जो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, समझ रहे हैं क्या? ये आपका हेलो एल्केन्स हो गया, और सर दूसरा वाला टर्म आपका हेलो एरिन्स के नाम से
हम लोग जानते हैं, जो कि बहुत बहुत सिंपल टाइप की बात। अब आप बोलेंगे ठीक है सर, आपने ये बोल तो दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, अब देखिए हम लोग एक इसमें एक नई चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले सर हम लोग जानते हैं हेलो एल्केन्स के बारे में, हम लोग जानते हैं। आओ बच्चों सबसे जानने पहले जानने की कोशिश करते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का मतलब होता है कि किसी भी एल्कीन कंपाउंड के साथ, एल्केन कंपाउंड के साथ, मान कर चले दिस इज आर एच। आर एच का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा एल्केन, समझ रहे हैं क्या? आर एच का मतलब लिखा कोई एक एल्केन है। अगर मैंने इस पे क्या कर दिया कि इस तरीके से किसी हेलोजन एटम को एक्स टू का मतलब हेलोजन, एक्स का मतलब हेलोजन, मतलब सर ये फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। इनमें से ये कुछ भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, एक्सेट्रा, ऐसे लिखते हैं। अब सुनो, इस एल्केन के साथ जब भी मैं कभी भी हेलोजन को अटैक रिएक्शन करवाता हूं तो सर ये एक तो बन जाएगा आर एक्स बन जाता है। तो सर ये आर एक्स का मतलब ये आपका हो जाएगा हेलो एल्केन, या मैं इसको बोलता हूं मोनो एल्केन्स, इसको बोलते हैं, या तो ये हेलो एल्केन्स बोलेंगे, ठीक है ना, या इसको ऐसे बोलते हैं मोनो हेलोजन हेलो एल्केन, या तो इसको मोनो का मतलब सिंगल, और सर मान के चलो इस तरीके से बोल सकते हैं। सपोज बच्चों मेरे पास इस तरीके से कोई एक मीथेन ग्रुप है CH3H4, तो ये CH4 है ना, ये CH4 आपको दिख रहा होगा। मैं इसके साथ किसी X2 को रिएक्शन करवा रहा हूं तो यहाँ पे ये क्या बनाता है CH3X बना देगा और कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहां से सर HX बाहर निकल जाएगा सर फिर से। और इसके साथ क्या कराओगे, X2 को रिएक्शन कराओगे तो आप यहां से क्या करोगे, वही एक HX को बाहर निकाल दोगे और ये क्या बना दोगे CH2XX, दो X बन जाएगा। फिर से सर आप यहां से X2 को रिएक्शन कराओगे और HX को बाहर निकाल दोगे तो ये CH तीन बार X बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना सर। और सर यहां से अगर आप फिर से वही X2 को रिएक्शन करवा देते हो HX बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं 4 times क्या हो जाएगा, ये X बन जाएगा, सॉरी X, ये X X X। अब सुनो भाई एक चीज मैं आपको बता देता हूं सर, यहाँ पे ये टर्म हम लोग ऐसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे सिंगल हेलोजन है ना, तो मैं इसको मोनो हेलोजन एल्केन बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ मोनो, ठीक है ना, इसको मोनो हेलो एल्केन बोलता हूँ। ये मोनो हेलो एल्केन हो गया सर, ये डाई हेलोजन वाला एल्केन हो गया, डाई हेलो एल्केन हो गया, डाई हेलो लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना, ध्यान से देख लो सर। इसको मैं लिखता हूं ये आपका बच्चों ट्राई हेलो एल्केन हो, और सर इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा हेलो एल्केन भी इसको बोला जा सकता है, टेट्रा हेलो एल्केन भी सर इसको मैं यहाँ पे बोल सकता हूं, जो कि बहुत बहुत आसान सा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल सी बात, अगर किसी को आ रही है तो पूछ लीजिएगा, किसी को अगर मैं दोबारा समझाना है तो बोलो बच्चों, किसी को अगर दोबारा समझाना है तो बोलो सर। ट्राई हेलो वाला समझाऊंगा, ट्राई का मतलब हो गया तीन हेलोजन जिस पे होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या था मेरे पास पहले से दो एक्स वाला कंपाउंड था, तो सर यहाँ से हमने क्या किया एक एच एक्स को बाहर निकाला
जैसे ही मैं एक HX को बाहर निकालूंगा सर जी, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये ऑलरेडी जो है एक HX बाहर निकलेगा, तो एक हेलोजन और इस पे चिपक गया है। तो आप देख रहे हैं सर, ये ट्राई हेलो एल्केन्स आपके सामने बन के रख दिया है मैंने, समझ रहे हैं क्या, ये ऐसा हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, अब जरा देखो बच्चों, हम मोनो हेलोजन के एग्जाम्पल लेते हैं सर। पहले मोनो हेलोजन के एग्जाम्पल लेते हैं, फिर डाई हेलो एल्केन्स के एग्जाम्पल लेते हैं, फिर ट्राई के लेते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं, एक एक करके लेते हैं। तो यहाँ पे सर एक चीज देखिए, मोनो हेलो एल्केन्स, ऐसे लिखता हूं मोनो हेलोजन डेरिवेटिव लिख देता हूं, समझ रहे ना, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव लिख देता हूं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आप लोगों को। देखिए सर, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि सर इसमें सबसे पहले हमारे पास होता है एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सिंगल हेलोजन वाले कंपाउंड है सर, जैसे CH3Cl, इसका नाम क्या है सर, मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम सर क्या है, मिथाइल क्लोराइड। जैसे मैंने लिया C2H5Cl, कुछ भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, तो सर इसको क्या बोलते हैं, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब सपोज मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड हो गया CH2X, तो CH2X का मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स, CH2 ग्रुप का मतलब क्या होता है, 1 डिग्री या प्राइमरी, है ना। CH का मीनिंग क्या होता है सर, 2 डिग्री या सेकेंडरी। C का मीनिंग क्या होता है सर, 3 डिग्री या टर्सरी हम लोग बोलते हैं। CH2 है तो मैं इसको ऐसा बोलूंगा ना, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी इसको बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ सर, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी बोल सकता हूँ। दूसरा इधर देखिए, RRCHX, तो CH ग्रुप लगा हुआ है ना, देखो तो मैं इसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ बोलो, बच्चों मैं क्या इसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड नहीं बोल सकता हूँ क्या। दूसरा सर, थर्ड अगर हो गया तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, RRR और CX, और तो सर ये क्या हो जाएगा, टर्सरी अल्काइल हैलाइड, समझ रहे हैं क्या। तो सर एक आपका प्राइमरी हो गया, दूसरा सेकेंडरी हो गया, तीसरा टर्सरी हो गया, समझ रहे हैं ना। तो आप देख लीजिएगा, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। ओके, दूसरा हम लोग यहीं पे लेते हैं सर, दूसरा बच्चों हम लोग यहीं पे लेते हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव, जिनमें दो हेलोजन ग्रुप होते हैं, डाई हेलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं सर। यहाँ पे डाई हेलोजन डेरिवेटिव किसको बोल सकते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखो, जिनमें दो हेलोजन ग्रुप होते हैं, है ना। तो सपोज मैं इसको एक इसको बोल सकता हूँ, अच्छा IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना तो सभी को आता है ना, अरे IUPAC तो सभी को आता होगा, यस RCHCLCL, तो सर इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं, देखिए ये इसका नाम है 1,1-डाई, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखता हूं, इसको मैं दूसरा लिख रहा हूं, पहले कुछ और लिख रहा था, अब इसको नया लिख, एक जैसे मैंने लिखा CH2CLCL, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 1,1-डाइक्लोरोमीथेन,
क्या हो जाएगा सर, 1,1-dichloromethane आपका यहाँ पे लिख लेंगे, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, ठीक है ना, और इधर CL और इधर CL लिख सकते हैं, समझ रहे हैं क्या सर, इधर CL भी लिख सकते हैं और इधर भी आप लोग बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, CL लिख सकते हैं। देखिए इसको भी क्या बोलेंगे सर, ये 1,2, इसको बोलेंगे 1,1-dichloro, और यहाँ पे आप लिखेंगे 1,1-dichloro, और ये आपका हो जाएगा बच्चों वन वन डाइक्लोरो इथेन हो जाएगा ये, ठीक है ना, 1,1-dichloro इथेन हो जाएगा, देख लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, 1,1-dichloro इथेन लिखा हुआ है ये, यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर किसी को कोई डाउट आता है पूछ लीजिएगा। तो सर दो हेलोजन वाला कंपाउंड है, तो ऐसे ही आपका सर ट्राई हेलोजन भी आ जाएगा, है ना, कुछ भी नहीं है सर इसमें, ऐसे बच्चों आप ट्राई हेलोजन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सर, नेक्स्ट आपके पास ये भी हो सकता है सर, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, मतलब सर ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब हो गया कि सर जैसे आपके पास सी एच है, इस पे तीन तीन हेलोजन ग्रुप होने चाहिए, उसको बोलते हैं ट्राई हेलोजन ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ सर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सी एच सी एल, सी एल और सी एल, तो इसको क्या बोलते हैं सर, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं सर, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन भी सर इसको लिख सकता हूं मैं, समझ रहे हैं ना, पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल सर अगर मैं लिखना चाहता हूं तो ऐसे लिख सकता हूं CH3CH Cl Cl Cl, तो देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे सर, 1,1,1 ट्राइक्लोरो, ठीक है ना सर, ये 1,1,1 ट्राइक्लोरो क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, ठीक है ना, ट्राइक्लोरो इथेन हो जाएगा, दो कार्बन है तो जाहिर सी बात है सर इथेन ही होगा। सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है ना, तो ये ऐसे सॉल्व करना है भाई। देखिए ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ होता है, फिजिकल केमिस्ट्री आसान रहता है, समझ रहे हैं, ये वाला सर थोड़ा सा अलग टाइप की केमिस्ट्री होती है, तो आपको बहुत मेहनत ही करनी है, क्योंकि आपने जैसे फिजिकल केमिस्ट्री को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, क्योंकि तुम लोगों से बढ़िया मैंने देखा कि 11th वाले बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है, और काफी अच्छी अच्छी तरीकों से वो लोग जो है कर पा रहे हैं सॉल्व। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि आपको जो है और भी चीजें सॉल्व करनी। सर एक और लास्ट वाला मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक और अलग टाइप का होता है, इसको बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड्स क्या होता है सर? सर अलाइलिक हैलाइड्स का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर आपके पास इस तरीके से कोई CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपके पास ये जो CH2 ये वाला ग्रुप है ना, इसको बोलते हैं अलाइलिक ग्रुप, अलाइलिक ग्रुप है ये, और अगर इस पे आप X लगा देंगे तो अलाइलिक हैलाइड हो जाएगा, इस पे बच्चों अगर आप X लगा देंगे तो सर ये अलाइलिक हैलाइड हो जाएगा, या जैसे ये वाला ग्रुप, ये आपका अलाइलिक हैलाइड है। देखो अलाइलिक हैलाइड क्यों है, देखो
देखिए मैंने इधर वाला पोर्शन मिटाया ना, एक मिनट है, देखो बच्चों ये ग्रुप, तो ये और ये दोनों ग्रुप सेम दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं बताओ। देखो वन कार्बन टू कार्बन थ्री कार्बन है ना, तो देखिए वन कार्बन टू कार्बन थ्री कार्बन। अब मैंने क्या किया, इस ग्रुप को थोड़ा सा जोड़ के बड़ा बना दिया, तो है तो सर वो अलाइलिक ग्रुप ही है, तो ये भी सर आपका क्या हो जाएगा, अलाइलिक ग्रुप ही हो जाएगा। मैंने क्या सर ये किया वाला बच्चों, रिपीट करो ना, समझ गया। इसको मैंने क्या बोला, देखो अलाइलिक ये हो गया ना वन टू थ्री कार्बन वाला। अब देखो बच्चों मैं क्या करता हूँ, ये देखो मैंने सपोज ये मिटा दिया, तो आप मुझे एक बात बताओ, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप एक जैसा दिख रहा नहीं दिख रहा बताओ। अरे ये दोनों के दोनों ग्रुप एक जैसे दिख रहे नहीं दिख रहे बोलो। यस सर, तो सर जब ये दोनों के दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना, तो बस मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया ऐसे ऐसे। क्या सर डायग्राम नया बनाओ ना सर, वापिस बोल रहा है, से डायग्राम समझा रहे हो, पता नहीं चल रहा, थोड़ा क्लियर अच्छी तरह से बनाओ तो। अरे ये वाला ग्रुप देख, ये बनाया मैंने देख, देख देखें ये देख, यहां से देख मैं कह रहा हूं कि बच्चों ये वन टू थ्री, ये तीन कार्बन दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, वन कार्बन टू कार्बन थ्री कार्बन, तो थ्री कार्बन से मिलके कौन सा ग्रुप बनता है, अलाइलिक ग्रुप। अब देखो ये और ये दोनों ग्रुप सेम है क्यों, अगर बच्चों मैं इसको मिटा देता हूं ना, तो देखो एक मिनट है, तो देखो भाई तो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम नहीं दिख रहा है क्या, अब आ गया समझ में। अरे ये एक कार्बन है ना, ये भी तो कार्बन है, और एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ये वाला, तो यहां भी देख लो, और ये वाला CH2 ग्रुप है, तो देख रहे हैं CH2X लगा हुआ है बस। तो सर अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक ऐसे ये बना देता हूँ, तो ये बात तो एक ही है, वो मैंने उसको थोड़ा खोल के बड़ा कर दिया, समझ रहे हैं क्या। तो सर ये भी तो अलाइलिक ग्रुप है। ओके चलो सर नेक्स्ट देखिए, चलिए बच्चों अब आगे देखिए, तो सर अब हम लोग पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म इन मोनोहेलोजन डेरिवेटिव। आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं पता है ना सभी को, आइसोमेरिज्म इन मोनोहेलोजन डेरिवेटिव में हम लोग पढ़ते हैं। तो आओ बच्चों, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या हो जाएगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सर इधर देखो, आप बच्चों इधर देखो, सब लोग ध्यान से देखो, तो सबसे पहले टाइप का मैं आइसोमेरिज्म इसमें बताता हूँ बच्चों, चेन आइसोमेर, चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, मतलब चेन का मतलब हो गया सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या होगी, चेन होगी, चेन क्या होगी सर, डिफरेंट होगी, उसको बोला जाता है चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे देखिए बच्चों मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो कि बहुत बहुत सिंपल टाइप का एग्जांपल है। सपोज आपके पास मैंने लिया ये देखिए CH3 CH2 CH2 Cl, तो देखो मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C3 H क्या है सर, एच आप देख रहे हैं H7Cl है, देख रहे हैं क्या, 3 to 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया। तो देखो मैं इसी कंपाउंड का एक ऐसा भी बना सकता हूं क्या, देखिए CH3 CH7
CH3CH। तो देखो इसका भी मॉलिकुलर फॉर्मूला यही है, दिख रहा है क्या? बस दोनों के चेन में क्या है सर, दोनों के चेन में क्या है बच्चों, डिफरेंस है। तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमेरिज्म। समझ में आया नहीं आया, बोलो रे बच्चों? यस सर। है ना सर, एक और एग्जांपल जैसे आप ले लेते हैं सर, यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से सर। सपोज आपने लिया कि यही एग्जांपल ले लो, इसी को ले लो CH3CH2CH2CH2Cl ले लिया, और एक इसको ऐसे ले लो, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला पहले लिखो। C4H कितना है, 3+2 5+2 7+2 9Cl हो गया मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो यहाँ पे एक काम करो रे बच्चों, CH3 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 Cl। तो देखो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया सर, और सर ये वाला दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। तो आप देख रहे हैं क्या, दोनों के चेन में बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, सॉरी चेन में डिफरेंस है, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, दिख रहा होगा शायद सभी को, देख लो भाई। ओके सर, दूसरा वाला हमारे पास सेकंड आइसोमेरिज्म होता है, हम लोग दूसरा बोलते हैं पोजिशंस आइसोमेरिज्म, पोजिशनल बोलो इसको। पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है सर, इसमें भी वही कहानी है, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, पोजिशन ऑफ जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों वो क्या हो जाएगा सर, डिफरेंट हो जाएगा। पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा सर, डिफरेंट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। आइए सर सपोज एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, देखिए तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1,3-dichlorobenzene, होगा नहीं होगा? तो आर में एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं तो उसको मैं लिख देता हूं, वन फोर डाइक्लोरोबेंज, वन थ्री डाइक्लोरोबेंजीन और वन फोर डाइक्लोरोबेंजीन, आएगा नहीं आएगा, बोलो रे बच्चों? अरे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है ना, सभी को आ रहा ना समझ में, ध्यान रखिएगा, नहीं आ रहा तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज आज हमको बताया है सर ने कि जो है सीधे बाहर कर दीजिएगा, रिमूव कर दीजिएगा आप ग्रुप से, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ऐसा ना हो तो आराम से इसको देख लो सर, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो बोल सकता है सर इसको दोबारा समझाइए, कोई भी टेंशन नहीं लेने का है, बस बढ़िया से पूछ लेने का है, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? ओके चलो बच्चों, एक तो ये आपने पढ़ लिया, ठीक है ना सर? अब नेक्स्ट जरा देखिए, अब हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं सर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे, ठीक है ना सर? अब हम लोग मेन उस पे आते हैं टॉपिक पे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बच्चों जो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है अल्काइल हैलाइड का, आइए सर इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सर फ्रॉम एल्केन्स, मेन टॉपिक है एल्केन से हम लोग सर कैसे हम अल्काइल हैलाइड को बनाते हैं।
सर हम लोग जब भी एल्केन से बेसिकली सर यहाँ पे जब भी हम लोग एल्केन से इसको बनाते आए हैं अल्काइल हैलाइड को, अल्काइल हैलाइड का मतलब बेसिकली मैं आर एक्स ग्रुप को बोल सकता हूँ। और ये आर सर आपका क्या हो सकता है सर, ये आप आर आपका CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, या सर मैं इसको PH भी बोल सकता हूँ, ETC कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो सर, अब देखो रे बच्चों, अल्काइल हैलाइड से सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बाई फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों कैसे करना है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, आर एच है और प्लस ये एक्स एक्स है। फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म किसकी प्रेजेंस में होती है, एच न्यू लाइड की प्रेजेंस में होती है, ठीक है ना। दिस रिएक्शन मैकेनिज्म टेक्स प्लेस एच न्यू लाइट ऐसे लिखते हैं, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू लाइट एंड पर ऑक्साइड। ये जो फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, ये आपने 11th में पढ़ा होगा कि ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है ये एच न्यू लाइट और परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। तो सर यहां पे आप जरा ध्यान से देखिए, तो सर ये एच आर एच है, तो यहां पे क्या होता है, सबसे पहले सर रेडिकल ऐसे टूटता है, आधा हाफ हाफ कर्व से दिखाते हैं ना, पता है ना आप लोगों को, ये ऐसे टूटता है। तो सर यहां से अगर ये टूटेगा तो आर पे क्या बन जाएगा, एक ऐसा रेडिकल बन जाएगा, प्लस एच पे भी क्या बन जाएगा, एक रेडिकल बन जाएगा, और इधर से ये भी टूटेगा तो ये क्या बनाएगा सर, अगर इधर से ये भी रेडिकल तोड़ेगा तो ये क्या बनाएगा, देखिए एक्स पे रेडिकल बनाएगा प्लस एक और एक्स पे रेडिकल बना, तो सर ये आर वाला रेडिकल और ये एक्स वाला रेडिकल इधर जनरेट कंबाइन होता है, और सर ये एच वाला रेडिकल और ये वाला ऐसे कंबाइन होता है, तो सर ये क्या बना देगा, सर आर इसमें ऑफ एचवी लाइट का क्या रोल रहता है? एच न्यू लाइट फ्री रेडिकल को जनरेट करता है ना, फ्री रेडिकल की रिएक्शन मैकेनिज्म एच न्यू लाइट की ही प्रेजेंस में होती है ना, ये तो इसका कैरेक्टर है। फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ा था क्या? यस सर। हाँ, तो एच न्यू लाइट सर इसका यही तो कैरेक्टर है, बिना एच न्यू लाइट या तो ये होना चाहिए या ये पर ऑक्साइड होना चाहिए। पर ऑक्साइड का मतलब या तो आपका H2O2 हो सकता है या सर Na2O2 हो सकता है, इनमें से कोई भी एक हो सकता है जिसको परऑक्साइड बोल रहे हैं, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होनी चाहिए। तो ये पहले ऐसे रेडिकल टूटता है फिर ऐसे बनता है, जैसे इधर देख बेटा, जैसे इधर देख CH4, तो मैं CH4 को CH3H ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ बोलो, है ना। और तुझे कह दिया कि भाई इसको क्लोरीन से रिएक्शन करा, और यहाँ पे कोई एक परऑक्साइड दे दिया, है ना, तो क्या होगा सर, ये ऐसे टूटेगा और ये ऐसे टूटेगा, है ना। यहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि एक ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है सर, क्योंकि एक ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसलिए ये टूटेगा ही टूटेगा। तो यहां से ही क्या बनाएगा, CH3 रेडिकल बनाएगा, हाइड्रोजन रेडिकल, और ये जब टूटेगा तो ये क्या बनाएगा बेटा, ये आपका Cl रेडिकल बनाएगा प्लस Cl रेडिकल बनाएगा, बस वही Cl एक H के साथ ज्वाइन हो जाएगा और ये वाला इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, तो सर ये CH3Cl हो जाएगा और ये सर HCl बन जाएगा। आया नहीं आया समझ में, बोलो बच्चों, यस सर। किसी को अगर नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आराम से ही पढ़ा रहा हूँ इसको, कोई जल्दबाजी नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा चलो जी, अब ये तो आपको पता लग गया। अब देखो सर इसमें एक और बड़ी बात मैं आपको बता, सर सपोज अगर आपके पास ये है CH3 CH CH3 और ये आपने दे दिया CL2,
और यहां पे दे दिया एच। तो सर आप रेडिकल कहां से बनाओगे, या तो इधर से बनेगा यहां से। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा रेडिकल ऑलवेज ऑलवेज उस पोजीशन से बनता है जहां से मोर स्टेबल रेडिकल बन रहा होगा, है ना। तो देखो ये CH3 चाहे आप इधर से बनाओ या इधर से बनाओ, दोनों साइड इक्वल है, बस बीच वाली साइड अलग है। तो सर मैं एक साइड से बनाता हूं, देखो यहां से देखिए CH3 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या, CH2H ऐसे लिख सकता हूं ना, सभी को देख रहे हैं सब लोग, है ना। तो सर यहां से मैं रेडिकल बना रहा हूं CH2H को, सर ये ऐसे टूटेगा और सर ये ऐसे टूटेगा। तो बच्चों यहां से क्या बनेगा, इधर देखिए ये ऐसे बन जाएगा, देख लो बनेगा नहीं बनेगा, रेडिकल यहीं पे तो आएगा एच रेडिकल, इसको अलग कर दो। और या सर ये बीच वाले पोजीशन से बनाता हूं, इस वाले हाइड्रोजन से बना रहा हूं, देखो यहाँ जो बीच में हाइड्रोजन था ना इससे बनाता हूं ये हाइड्रोजन, क्योंकि सर यहां से बनाओगे तो एक ही जैसा बनेगा, वो यहां से तो एक ही जैसा बनेगा जैसा ये बनाया था मैंने, ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा CH3, C पे ये आपका हो जाएगा ऐसे, सॉरी H भी रहेगा ना, ये CH2 रहेगा, ये समझ रहे हैं ना, ये CH2 रहेगा ना। तो सर ये ऐसे एक रेडिकल इधर बन जाएगा और एक रेडिकल ये बन जाएगा, है ना, बीच का ये H। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, कौन सा रेडिकल स्टेबल है, ये फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला, कौन सा स्टेबल है बताओ। अरे ये CH2 रेडिकल बन गया और ये सर CH रेडिकल बन गया, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। अरे यार ये आपका वन डिग्री है और ये टू डिग्री नहीं है, तो सर ये टू डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा नहीं होगा वन डिग्री के कंपैरिजन में, बोलो रे बच्चों। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो सर सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा नहीं होगा, ध्यान रख लेना, बहुत बेसिक चीजें याद होनी चाहिए आपको इस, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा इसमें। तो सर इसलिए ये वाला क्या होगा, लेस स्टेबल रेडिकल है, और सर ये वाला आप इस समझाओ ना एक बार। ओके ये वाला सर आपका मोर स्टेबल होगा। देख पहला तो अगर बेटा रेडिकल निकालेगा तो या तो एक काम करेगा क्या सर, यहां से रेडिकल निकालेगा, या तो सर यहां से रेडिकल निकालेगा। तो जब यहां से रेडिकल बनेगा तो ऐसा वाला कंपाउंड बनेगा नहीं बनेगा बता, बीच में CH2 ठीक है ना। और सर अगर यहां से बनाएगा तो देख ये CH2 था बीच में, तो सर ये यहां से बनाएगा तो ये ऐसे टूटेगा, इधर ऐसे टूटेगा, तो ये वाला रेडिकल बनेगा। और CH2 है ना, तो एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक ये क्या है, दो हो गए ना। अब यहां से टूट गया, ये टूट गया तो एक हाइड्रोजन टूट गया ना यहां से, तो रेडिकल नहीं बना क्या बच्चों, ये रेडिकल बन गया ना यहाँ पे, तो सर एक ये हो जाएगा। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, तो इधर CH3 बन जाएगा है ना, अब यहां से बनाओगे रेडिकल तो एक जैसा हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ रे बच्चों, तो ये वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा नहीं होगा, ये टू डिग्री ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने इलेवंथ में, बोलो। यस सर। कितने लोगों ने ये पढ़ा हुआ है हाथ खड़े करो, कितने लोगों ने ये पढ़ा हुआ है हाथ खड़े करो। बच्चों रेज योर हैंड जितने बच्चों ने ये पढ़ा हुआ है, शुभम और यस और नो बोलना है सबको, अदरवाइज मैं बाहर कर दूंगा अभी। नो वाले कौन है वो बाद में बताएंगे, पहले जिनने पढ़ा है वो हाथ खड़े करेंगे। 15, 16 और करते रहो करते रहो। 19 और
मैं देख रहा हूँ कितनों ने हाथ खड़े करे हैं, नहीं तो मैं दो तीन लोगों को बाहर करूंगा अभी, देखना। ओके ओके 19 लोगों ने, एक मिनट है, एक मिनट रुको, रुके रहो रुके रहो रुके रहो। अच्छा 19 स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है। चलिए भाई आप लोग अपने हैंड्स को डाउन करो बच्चों, हैंड्स डाउन करिए। ओके ओके रुद्रा हाथ नीचे कर बेटा। अब वो बच्चे हाथ खड़े करें जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, रेज योर हैंड जो बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं। तो पढ़ा है लेकिन याद नहीं है, थोड़ा रिवाइज हो तो। अरे यार तू अब रिवाइज मैं कब से बोल रहा हूँ बता, फिर तू बोलता है समझ में नहीं आया। और बच्चे जिनने नहीं पढ़ा हुआ है वो हाथ खड़े करें। अरे जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, मतलब सबने पढ़ा हुआ है तो अभी मैंने हाथ खड़े करने को बोला तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया जो बाकी लोग बचे हुए थे? फोरम पढ़ा हुआ है क्या? आज बाहर करता हूं मैं एक दोनों को। सर पढ़ा हुआ है पर थोड़ा थोड़ा ही याद है। क्यों नहीं पढ़ के आए तुम लोग घर से? माही पटेल पढ़ा हुआ है क्या? माही पटेल मतलब ये लड़की वीडियो चालू करके गायब है। माही पारी सर थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा याद नहीं है। कौन बोला ये? माही पारिक बोल रही क्या? यस सर। और माही पटेल? तभी दो चार बच्चे ऐसे हैं जो खाली टाइम पास आ रहे। नहीं आ रहा समझ में माही पटेल को है। प्रियांशी पढ़ा हुआ है क्या? ये लड़की भी जो है प्रियांशी पढ़ा हुआ है आपने? ओके प्रियांशी पढ़ा हुआ है क्या? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मीटिंग चालू करके गायब हो जाते हैं। आप लोगों को मैंने बोला था बच्चों की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री बच्चों मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोग जो है इसको पढ़ के आइएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल, ये सब चीजों को आपको मैंने बताया हुआ है कि आप लोग पढ़ के आइए। समझ रहे हैं क्या? तो एटलीस्ट आप लोगों को ये पढ़ के आना चाहिए ना। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो इसको पढ़ के आ रहे हैं, तो कैसे पता लगेगा बताओ यार आप लोग कहाँ से आए गए हैं समझ में? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये सब चीजों को मैंने आपको बोला था बच्चों इसको पढ़ के आइएगा, बढ़िया से इसको पढ़िए, और दिक्कत आएगी तो फिर हम समझाएंगे। अब इसको तो आप लोग पढ़ के आए ही नहीं, बताओ कैसे चलेगा काम है? ओके एक मिनट है।
ओके गाइस, चलो तो सर बेसिकली मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था, सर बेसिकली बच्चों मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग इस कंसेप्ट को बता रहे थे कि सर वो जो आपका जो कंपाउंड बना रहा था मैं वो फ्री रेडिकल के बेस पे बना रहा था। सपोज आपने कहा कि सर एक बात और देखो बच्चों, सपोज आपने लिया CH3 CH2H, तो ये CH3 बात एक ही है ना, तो इसको आप C2H6 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, बोलो बोल सकते हैं, इथेन है ये। अब मैं इसको क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो H2O2 क्या हो गया आपका, एक परऑक्साइड हो गया सर, ये परऑक्साइड हो गया, तो ये भी आपका गाइस यहाँ पे क्या देगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म को देगा। तो सर ये ऐसे ज्वाइन करेंगे और इसको ऐसे करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये आपका एक बन जाएगा CH3 बन जाएगा, और ये सर CH2 पे रेडिकल बन जाएगा, और प्लस ये H पे क्या बन जाएगा सर, यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा। देख रहे हैं ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कि सर इसको समझाइए, है ना। अब देखो बच्चों, यहां से आप मुझे एक बात बताओ, अब BR से क्या हो जाएगा, BR से भी सर रेडिकल बन जाएगा, तो सर BR से एक रेडिकल इसके साथ क्या हो जाएगा, ज्वाइन ऐसे हो जाएगा, तो सर यहाँ पे ये बनाएगा CH3 CH2 BR, ये वाला कंपाउंड ऐसे बनेगा। किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो पूछ लीजिएगा कि सर इसको एक बार और समझाइए या यहाँ पे कैसे करना है ये आप। लास्ट कौन सा वाला बेटा, ये वाला वाला ना, नहीं सर, उसके बाद वाला हुआ आपने जो वो किया तो वो। मिट गया यार, एक्चुअली बीच में मीटिंग चालू दिक्कत हुई थी ना, वो तो हट गया, वो तो हट गया। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, वो नहीं है बेटा आपने यार, आपने जो वो ज्वाइन किया वो, ये कह रहा है क्या, सर पता चल गया। ओके ओके चलो एक और एग्जांपल लेते हैं सर, दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं सर। यहाँ पे ये CH3 है बच्चों, ये CH है, और ये सर CH3 है, और सर ये CH3। इसको आप एक काम करो सर, यहाँ पे किसी Cl2 के साथ H2Li की प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए, तो यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल बनाना होगा। तो देखो अगर आप इस CH3, इस CH3 से बनाओ, इससे बनाओ या इससे बनाओ, बात एक ही है। आप किसी भी CH3 से रेडिकल बनाओ बच्चों, बात एक ही है, आपको उससे कुछ लेना देना ही नहीं होगा। लेकिन बेसिकली अगर आप यहां से बनाते हो ना रेडिकल, तो ये वाला जो रेडिकल होगा ना सर, ये वाला ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा। देखो ये ऐसे है ना, तो सर ये अगर आप यहां से रेडिकल बनाओगे ना बीच से, तो सर ये वाला जो है ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा। तो ये बच्चों ऐसे बन जाएगा, देखिए CH3, और इधर ये सी पे रेडिकल हो जाएगा, ये सी पे रेडिकल हो जाएगा सर, ये सी पे रेडिकल हो जाएगा, देख रहे हैं आप लोग। और अब जाके सर आपका यहां से जो क्लोरीन रेडिकल होगा ना सर, ये जो क्लोरीन रेडिकल है इस पे ऐसे आएगा, इस पे ऐसे आएगा, और तब आप जाके क्या बनाओगे, CH3 Cl बनाओगे, CH3 बनाओगे, और सर यहाँ पे क्या बनाओगे, CH3 ऐसा बनाओगे। आया बेटा समझ में, देख लो भाई आप पूछ लीजिएगा, कोई भी टेंशन अगर किसी को आता है, कोई भी दिक्कत अगर किसी को आता है तो बताओ, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं हेलोजन का ऐड होना, ठीक है ना, आप देख रहे हैं बच्चों हेलोजन का एडिशन हो रहा है इन द अबव रिएक्शन, मैं ऐसे लिखूंगा इन अबव रिएक्शन, एडिशन ऑफ हेलोजन टेक्स प्लेस, मैं यहां पे लिख रहा हूं एडिशन ऑफ हेलोजन टेक्स प्लेस। जब हेलोजन का एडिशन होता है ना, तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों हेलोजिनेशन। इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं सर, हेलोजिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हेलोजिनेशन, मतलब हेलोजन का एडिशन हो रहा है ना,
इसको हेलोजिनेशन बोलना है। क्लियर हुई बात? तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन किसकी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे देखिए एक और टर्म लिख देता हूँ, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन की अगर बात करेंगे सर, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन की अगर बात करेंगे तो आपका एक तो F2 हो जाएगा, दूसरा Cl2 का ज्यादा हो जाएगा, देन फिर Br2 का हो जाएगा, देन फिर I2 का होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? बच्चों ये जो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड होता है ना, और ये क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड के कंपैरिजन में ये फ्लोरीन वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि सर ये जल्दी से टूटना चाहता है। क्यों सर? दिस इज द मोर रिएक्टिव। क्यों? बिकॉज फ्लोरीन का स्मॉल साइज है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन एटम का जो साइज होता है ना वो बहुत स्मॉल होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये जो मान के चलो सर ये फ्लोरीन है, इधर देखो सर ये फ्लोरीन है इतना छोटा साइज का, और ये देखिए ऐसा है। अब आप किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, फ्लोरीन की बॉन्डिंग किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं, अब दूसरे फ्लोरीन के साथ सर आपने बॉन्डिंग करवा दी, तो ये देखो तो दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है, तो स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा ना तो आसानी से सर ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है सर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन टेक्स प्लेस। सर जब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दिस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अगर ये हो रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस फ्लोरीन एटम, इट मींस द बॉन्ड बिटवीन द बोथ फ्लोरीन एटम इज वीक, है ना। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होगा दैट इज द वीक। क्यों हो रहा है सर? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ दिस फ्लोरीन एटम, और ये फ्लोरीन एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्या है, काफी ज्यादा क्लोज है, और जब भी व्हेनेवर इज ओवरलैप्स विद अनदर टाइप ऑफ द अनदर एटम्स ऑफ द फ्लोरीन एटम, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा तो सर ये आसानी से टूट जाएगा, और टूटने के बाद हम बोलेंगे ये मोर क्या हो जाएगा बच्चों, रिएक्टिव हो जाएगा। आए रे बाल को सबको समझ में क्या बोला मैं? Yes. देख लो, पूछ लो, कोई भी टेंशन है तो पूछ लो, कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो। ओके, अब सुनो सर, अब सुनो सर, एक बात बताओ आप लोग मुझे, चलो आप लोग एक बात बताओ, चलो ये हो गया ठीक है ना। एंड द सेकेंड टर्म, अब देखो जैसे अगर फ्लोरीन रिएक्शन करेगा तो फ्लोरिनेशन बोलेंगे उसको, हेलोजिनेशन का मतलब, फ्लोरीन रिएक्शन करेगा तो क्या बोलेंगे उसको, फ्लोरिनेशन हो जाएगा। क्लोरीन करेगा तो क्या हो जाएगा सर, क्लोरिनेशन। सर ब्रोमीन करेगा तो इसको क्या बोलेंगे सर, ब्रोमिनेशन। और सर आयोडीन करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, आयोडीनेशन हो जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं जो आयोडीनेशन की रिएक्शन है ना, आयोडीनेशन रिएक्शन, डज नॉट टेक्स प्लेस डायरेक्टली, आयोडीनेशन की रिएक्शन डायरेक्टली नहीं होती है। कहने का मतलब है कि सर अगर आपके पास कोई एक RH ग्रुप है तो आप इसको डायरेक्टली जो है I2 के साथ रिएक्शन करा के नहीं बना सकते हैं। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको कोई एक ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में तब जाके आर आई बनता है और एच आई यहां से क्या होता है सर, रिमूव होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सर ये वाली जो रिएक्शन है आयोडिनेशन की रिएक्शन, दिस इज नॉट डायरेक्टली टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ दिस आयोडीन एटम। सो दिस रिएक्शन कैन बी कन्वीनियंटली टेक्स प्लेस बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? This HNO3 is the oxidizing agent, so it can easily oxidize to the I2 atom, ठीक है ना, I2 atom to I positive atom, है ना? तो I positive और I negative में इसको convert कर देता है। Oxidizing का मतलब ये होता है कि ये दूसरे को oxidize कर देगा और खुद का क्या कर देगा, reduce कर देगा, खुद का reduction कर देगा। Okay? तो ये सर ये reaction यहाँ पे आपकी ऐसी होगी। देख लीजिएगा इसका कंसेप्ट, अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है यहां तक? बोलो। यस सर। ओके, आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। यस सर। थोड़ा इंटरनेट अनस्टेबल तो नहीं लग रहा है? बच्चों इंटरनेट अनस्टेबल तो नहीं लग रहा ना आपको? और थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है। यस सर, कभी कभी आपका वॉइस लैग हो जाता है सर। अभी कैसा लग रहा है? अभी अभी कैसा लग रहा है बेटा? अभी कैसा लग रहा है बेटा? ओके, तो सर ये बेसिक सी रिएक्शन सर आपने हमें बता दिया है। मैंने आपको बताया बच्चों ये हेलोजिनेशंस का ये बड़ा ही एक छोटा सा ही काम था, इस तरीके से होता है। इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है सर? दूसरा लिखते हैं सर फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे बनाते हैं, ठीक है ना? एल्कीन से हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बेसिकली मैं यहां पे बोलूंगा एल्कीन रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू मार्कोनिकोफ रूल। सर जो एल्कीन की रिएक्शन है ना बच्चों, वो बेसिकली आपका कैसा होता है सर, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो मार्कोनिकोव रूल में क्या बोला था, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट एड टू दोज कार्बन एटम negative part of adding reagent add to those carbon atom in which least number of hydrogen atom present। सर मार्कोनिकोव रूल में क्या बोला गया था,
बच्चों मार्कोनिकोब रूल में ये बोला गया था कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट एड टू दोज कार्बन एटम इन विच लीस्ट नंबर ऑफ, ठीक है ना, इन विच लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, जिसमें सर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं उस पे ये अटैक करता है। तो कहने का मतलब है फॉर एन अनसिमेट्रिकल एल्किन, फॉर अनसिमेट्रिकल एल्किन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए सर ये कहाँ यूज होता है जरा देखिए। सपोज मैंने आपको बताया बच्चों सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, तो ये क्या करेंगे आप एच बी आर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहां से ये बी आर माइनस और एच प्लस में टूटेगा, टूटेगा या नहीं टूटेगा एच बी आर, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट, तो ये नेगेटिव पार्ट है ना, देख रहे हैं क्या लाइन टू लाइन क्या बोल रहा हूँ, क्या बोला मार्कोनिकोब ने सर ये नेगेटिव पार्ट है, ये एडिंग रिएजेंट, ये उस कार्बन एटम पे अटैच होगा, इन दोनों में से उस कार्बन एटम पे आएगा सर ये जिसपे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट एड टू दोज कार्बन एटम इन विच द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, जिसमें कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है ना उसपे जुड़ेगा, इन दोनों की बात करा जिसपे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो आप मुझे बताओ इन दोनों में से इसी में कम है ना, तो सर ये वाला नेगेटिव पार्ट इधर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और वैसे भी सर इसको शिफ्ट इधर ही होना था, ये सी एच टू सी एच थ्री बन जाएगा। आया बेटा समझ में? अरे आया समझ में या नहीं? यस सर। है ना, और वैसे भी आपको पता है सर इसको शिफ्ट इधर ही होना था, क्योंकि सर यहाँ शिफ्ट होने से ये यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाता है ना, या दूसरा एग्जांपल देखो, वो बस उसके लिए था, अब या दूसरा एग्जांपल देखो सर ऐसे ले लेते हैं, आप ऐसे ले लो सी एच सी एच थ्री सर, ये एच बी आर को ले लो, यहां से सर क्या टूट जाएगा देखो, देखो इधर देखिए इसमें, इसको हटा दो भाई फिलहाल, सर यहां से ये क्या हो जाएगा बी आर माइनस और एच प्लस में टूट जाएगा, तो सर वही नेगेटिव पार्ट ये बाउंड इधर को शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर को शिफ्ट होने पे इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, सी एच थ्री सी एच सी एच टू, और ये सी एच पे पॉजिटिव चार्ज, और ये सी एच टू सी एच थ्री हो जाएगा, है ना, तो क्योंकि सर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया है ना, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, नहीं है बताओ रे भाई, कल आप लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ये सब पढ़ के आइए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, मैंने पहले बता दिया आप। तो सर अब जाके बी आर माइनस इधर पे अटैक करेगा, और ये सी एस थ्री, अब आप बोलेंगे ये हाइड्रोजन कहाँ गया, ये हाइड्रोजन इधर चला गया ना इस कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज आया था, अरे ये ऐसा बनेगा ना, ये शुरू में देखो ये इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो अब ये H प्लस भी था तो ये नेगेटिव ऐसे अटैक कर लेगा ना, तो ये सी एस थ्री बन गया। आया नहीं आया बताओ, से यस और नो बोलो भाई। यस सर। बायो वाले बच्चों के लिए एक बहुत अति आवश्यक सूचना है, बायो क्लास एट 4:45 PM टुडे, प्लीज इन्फॉर्म क्लास 12th स्टूडेंट, ये वहां से बोला गया है। क्या सर इसमें लिखा हुआ है,
बायो क्लास एट 4:45 PM टुडे। आपका जो बायो का क्लास है ना बच्चों, वो 4:45 PM पे होगा टुडे। नहीं समझे क्या? मतलब 4:45 पे। तो केमिस्ट्री का क्लास, केमिस्ट्री का क्लास कितने बजे तक है? 4:45 तक ही है सर। 45 तक नहीं है यार, झूठ बोल रहा है क्या सर? 4:50 तक है। तो ये पहले ही चले जाएंगे क्या? यस सर। ये तो बड़ी बात होगी फिर। चलो कोई बात नहीं है। तो सर यहाँ पे ये रिएक्शन ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना? ओके। दूसरा टाइप का मैं आपको एक बात और बता देता हूँ बच्चों, इस टाइप की रिएक्शन को और दूसरे, एक आपने सुना होगा, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा 1:2 हाइड्राइड शिफ्ट, पढ़ा है क्या? हाँ या ना बोलो बेटा। और एक और यही पे होता है 1:2 मिथाइल शिफ्ट। तो सर 1:2 हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है? सपोज सर ये आपके पास एक कोई एक कंपाउंड है, सी एच है, इधर सी एच थ्री लग गया, यहां से सर आपने सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू बनाया, तो सर वही एच बी आर को रिएक्शन करा दिया बच्चों, क्या होगा? यहाँ से बी आर माइनस बनेगा और एच प्लस बनेगा। तो सर सबसे पहले ये वाली एल्किन इधर शिफ्ट होगी, तो देखो क्या बनेगा। जब सर ये इधर शिफ्ट होगी तो ये ऐसा बनेगा सी एच थ्री सी एच पे पॉजिटिव चार्ज, सी एच टू पे नेगेटिव चार्ज। तो अब देखो सर ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये 2° कार्बोकैटायन बन गया इस पे, तो ये इधर ऐसे आ जाएगा। अब देखो 2° कार्बोकैटायन बन गया सर, तो देखो इधर देखो थोड़ा सा इसको ऐसे ले लो। कार्बोकैटायन को हमें स्टेबल बनाना होता है, पता ना आपको, ये सी एच थ्री है, सी एच है और ये सी एच थ्री। अब देखो रे बच्चों ये 2° कार्बोकैटायन, ये हाइड्रोजन को मैंने ऐसे, ये हाइड्रोजन को ये वाले को मैंने ऊपर करके रख दिया, ठीक है ना? तो सर मैंने इसको यहां ऐसे ऊपर कर दिया, ठीक है ना बेटा? अब देखो यहां से मैंने देखा कि अगर मैं 1:2 हाइड्राइड शिफ्ट करूं, ये 1 है ये 2 है, 1:2 H शिफ्ट, H माइनस को जब शिफ्ट करूंगा तो 1:2 हाइड्राइड जब शिफ्ट करूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, आपको एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सी एस थ्री, सी पे पॉजिटिव चार्ज और इधर सी एस थ्री और ये सी एच टू और ये सी एस थ्री बन जाएगा। तो सर अब ये वाला देखो 3° बन गया है, ये आपके सिखाया होगा आपने जहां भी पढ़ा है पिछले साल। तो अब जाके ये बी आर माइनस सर इधर पे अटैक करेगा, तो ये सी एस थ्री सी पे बी आर इधर लग जाएगा और सर ये सी एच टू हो जाएगा, ये सर सी एस थ्री ऐसे हो जाएगा और ये सर सी एस थ्री, है ना? तो सर ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे ऐसे अप्लाई करना होता है, आप लोग देख लीजिएगा, अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लीजिएगा। कर लोगे? तो कल क्या क्या पढ़ के आना है? पहले बात एल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में, एल्कीन के बारे में। दूसरा आपको कार्बोकैटायन पढ़ के आना है, ध्यान रखना कार्बोकैटायन। तीसरा आपको बच्चों फ्री रेडिकल पढ़ के आना है और चौथा आपको पढ़ के आना है यही 1:2 हाइड्राइड शिफ्ट कहाँ कहाँ करते हैं। ये सब के बिना नहीं चलेगा। आज मैंने 2 बच्चों को बाहर किया, कल भी अगर ऐसा ही लगेगा तो जरूरत पड़ेगी तो मैं और भी कर सकता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ के आइए सही से, समझ रहे हैं ना? तो चलिए गाइस फिलहाल के लिए हम लोग मीटिंग को रख देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू सो मच। ओके बेटा, ओके।